दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी को लेकर यह मेरा विशेष वीडियो है। सभी साथियों को कहना चाहूंगा मैं कि लगातार आप लोग कई दिनों से नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आप इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ईसीजी का भी परिणाम नहीं आया है, लैब टेक्नीशियन का कुछ परिणाम बाकी है और रेडियोग्राफर का जो परिणाम आया है उसमें काफी फर्जी अभ्यर्थियों का चयन हुआ, उसकी शिकायत हुई और उसकी जांच हो रही है और बाहर भी होंगे। निसंदेह इस पर किसी को शक नहीं है कि लगातार इस मामले को लेकर हम अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे, लेकिन साथियों जो चयनित अभ्यर्थी थे उनकी जो मायूसी मैंने देखी अभी जब मेरे ट्वीट के बाद, क्योंकि बड़ी आशा थी, मुझे पूरा विश्वास था कि जून में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि जब मीटिंग हुई थी मीटिंग के बाद जब मेरी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 5-7 दिन लगेंगे, हम दस्तावेज जांच वापस कर रहे हैं लोगों के डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद जून महीने में ज्वाइनिंग आदेश कर देंगे। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि जून में आदेश हो जाएंगे तो आप लोगों में खुशियां थी, चलो ठीक है, कमेटी बनी, मीटिंग हुई 2 जून को और उन्होंने ये कहा कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन जून में आदेश हो जाएंगे और जांच की जाएगी। तो मेरी खुद की उत्तर साहब से बात हुई, मुकुल शर्मा जी से बात हुई और यही निकल के आया था कि जून में इनके ज्वाइनिंग आदेश हो जाएंगे। लेकिन साथियों आज जब मैं स्वास्थ्य विभाग जब मैं गया तो वहां जाने के बाद जब स्वास्थ्य भवन में गया तो वहां मैं क्योंकि लैब टेक्नीशियन की जो 20 अभ्यर्थियों के जो प्रोविजन में देख के जो आदेश हुए थे, जो उनका परिणाम जारी हुआ था, अभिशंसा हुई थी, उस संबंध में मैं गिने गया तो मेरे संजय सक्सेना जी से मुलाकात हुई और संजय सक्सेना जी से मैंने पूछा कि सर ये जो रेडियोग्राफर का जो मामला चल रहा है, जांच भी हो रही है, कब तक जांच समाप्त होगी और जो सभी योग्यता रखते चयनित अभ्यर्थी उनकी नियुक्ति आदेश कब होगी, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, मैं इस मामले को नहीं देख रहा, क्योंकि मैंने कहा आप मीटिंग में शामिल थे। तो जिस प्रकार उनके बयान बदले हुए लगे तो मुझे लगा कि कहीं के मामले में गड़बड़ है। मुकुल शर्मा जी से थे नहीं वहां और प्रताप सिंह दुत्तर साहब भी वहां थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मामले में कुछ गड़बड़ है, सच का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि चयनित अभ्यर्थी और जो फर्जी अभ्यर्थियों को जो डिप्लोमाधारी अनुभवधारी उनको बाहर करने के लिए और अभ्यर्थी भी वहां लगातार प्रयास कर रहे थे, वो भी लगातार ऑल ओवर विशेष कर रहे थे। तो साथियों इस वर्दी को लेकर मैं लगातार चाहे फर्जी डिग्रियों के खिलाफ आवाज उठानी और चाहे जो चयनित अभ्यर्थी उनको दर्द को समझना क्योंकि और उनको जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग करना। तो साथियों मैं खुद सिद्धार्थ महाजन जी से मिलने के लिए सचिवालय पूछा, 2 व्यक्ति मेरे साथ थे जो लैब टेक्नीशियन के थे, जो 20 जो उनके पदों पर जो उनकी जो सूची जारी हुई थी उनकी ज्वाइनिंग के संबंध में, उनके संबंध में जो लैब टेक्नीशियन से 20 लोगों की सूची जारी हुई उसके संबंध में मार्क करके कह दिया आपके ज्वाइनिंग के आदेश हो जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य भवन उस लेटर को भेजने के लिए कहा था कि उन्होंने हमारे सामने मार्क कर दिया था। इसके साथ ही जो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उपेन आज मिनट्स जारी हो जाएंगे और हम रिजल्ट को रिवाइज कर रहे हैं। तो साथियों उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी अभ्यर्थी बाहर होंगे और हम जायगा वाले केस को आधार मानते हैं और रिवाइज होगा पूरा। साथियों मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब जो चयनित अभ्यर्थी उनकी तो क्या गलती है, हालांकि मैं भी चाहता हूं फर्जी बाहर हो और भी अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि फर्जी बाहर होंगे तभी हमारा नंबर आएगा, क्योंकि योग्य अभ्यर्थियों का नंबर आएगा क्योंकि फर्जी बाहर होंगे। तो साथियों जो सिद्धार्थ महाजन जी कहा कि देखो रिवाइज होगा क्योंकि अब फिलहाल कई अभ्यर्थी अलग अलग कैटेगरी से बाहर होंगे तो जिस कैटेगरी से बाहर होंगे उसकी जगह दूसरा आएगा तो रिवाइज होना जरूरी है और रिवाइज होगा, मिनट्स जारी हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि 1 जुलाई को फाइनल फैसला हो जाए। तो मैंने उनसे निवेदन ये किया कि साहब 1 जुलाई से पहले मान लीजिए आप रिवाइज भी करें तो बोर्ड से कहकर 1 जुलाई से पहले परिणाम तैयार करवा ले, ऐसा नहीं 1 तारीख को फैसला है फिर परिणाम तैयार करने में 10-15 दिन लगा दे, क्योंकि काफी लंबी ये भर्ती होगी, लगातार बेरोजगार परेशान है अवसाद में। तो उन्होंने ये कहा कि बोर्ड को कहकर वो परिणाम 1 जुलाई से पहले तैयार करवा देंगे, 1 जुलाई को फाइनल फैसला आ रहा है। तो साथियों चयनित अभ्यर्थी बहुत परेशान है, दुखी मुझे पता है, लेकिन उनके लिए जरूर अच्छी खबर निकल के आई कि जो लोग चाह रहे थे कि फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो उनको शामिल किया जाए, उनकी लिस्ट जारी हो, उनके लिए अच्छी राहत और अच्छी खबर है। लेकिन वो अभ्यर्थी निराश है, उदास है, लेकिन उन अभ्यर्थियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं सारी तमाम भर्तियों को छोड़कर मैं आपकी भर्तियों के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा और अभी से हम प्रयास करेंगे कि अधीनस्थ बोर्ड जल्द से जल्द परिणाम तैयार करने में लग जाए। हालांकि 1 तारीख को फाइनल फैसला होगा,
क्या उसका डिसीजन देता है वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जायवा वाला केस ज्यादा मजबूत है, उसके आधार पर फैसला हो सकता है। लेकिन 1 जुलाई का उस फैसले का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले हमारा प्रयास होगा कि संपूर्ण परिणाम बनकर तैयार है, मेरिट बनकर तैयार है, और अभिशंसा जैसे ही एक हाईकोर्ट से फैसला हो जाता है और वो लिस्ट विभाग को भेजे, विभाग उसकी जल्द से जल्द आदेश जारी करवाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथ ही इतना विश्वास दिला दूं अभी से ये प्रयास करेंगे, इसके अलावा जैसे 1 तारीख को फैसला आता है तो 2 जुलाई को हम सब लोग इकट्ठे होकर स्वास्थ्य भवन चले जाएंगे। इस भर्ती की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, चयनित अभ्यर्थी इसलिए परेशान है, दुखी है कि कैसे जैसे हम इस स्थिति में पूछे थे कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और वो अभी मैंने कई लोग मैसेज देखे कि अब तो हमारी गई ज्वाइनिंग, बोले कि इस साल तो मुश्किल हो, दिवाली भी नहीं बनेगी। कई लोगों को मैसेज देखे बहुत विचलित करने वाले, दुखी से मुझे लगे, तो मैं उन लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा, चाहे स्वास्थ्य भवन के बाद मुझे धरना देना पड़े, मैं आपका साथ दूंगा, मैं दूंगा, आपका साथ रहूंगा, और अभी भी प्रयास करूंगा 1 जुलाई से पहले ये लिस्ट बनकर तैयार हो जाए, जो रिवाइज लिस्ट है वो तैयार हो जाए, और जैसे फैसला आ जाए वो जल्द से जल्द जारी होकर और अभ्यर्थना विभाग को आ जाए, फिर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया का प्रोसेस शुरू हो जाए, और 2 तारीख को ही मैं आपका साथ दूंगा। आप 2 को कहोगे, 2 को, 3 को, 3 को आपके साथ धरने में बैठूंगा। इसलिए आप ये ना घबराए कि अब ये देरी होने की वजह से आपकी लिस्ट, बोले कि आपकी ज्वाइनिंग है ना 1-2 साल अटकेगी, नहीं अटकने दूंगा, मैं विश्वास दिला रहा हूं, क्योंकि जब तक कोरोना की सामान्य स्थिति हो जाएगी, अब मैं खुद आपके साथ धरने बैठ जाऊं, अनशन पे बैठना पड़े तो मैं बैठूंगा, लेकिन आपकी भर्ती पूरी करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि आप लोगों की जो मैंने अभी स्थिति देखी, जिस प्रकार आप उदास के लोगों को भी मैसेज भी है, तो मैंने सोचा कि हाँ, जिस प्रकार अन्य भर्तियों की जो मैं जिम्मेदारी लेता था और वो पूरी करता था, इस प्रकार आपकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। इसलिए आप चिंतित नहीं हो, दुखी नहीं हो, मैं वादा कर रहा हूं। एक तरह कई लोग कह रहे 1 तारीख को फैसला होगा कि नहीं होगा, मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था, और जो सुनवाई हुई थी, जो पिछली सुनवाई हुई थी, तो उसके बाद जो ऑर्डर आया था नेट पे, आपने देखा होगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है फाइनल डिस्पोजल, यानी कि फाइनल सुनवाई के लिए केस सुना जाएगा। तो साथियों, अब 1 जुलाई को फाइनल फैसला होगा, और उसके बाद जल्द से जल्द आपके आदेश होंगे, मैं आपके साथ हूं, इसलिए आप घबराए नहीं। आपके लिए जून महीना तो अशुभ निकला, क्योंकि नियम जो है, जो मुझे उन्होंने बताया नियम अनुसार, क्योंकि नियमों के खिलाफ कितनी आवाज उठा लो, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति नियमों पर बंधा हुआ था, रिवाइज उन्होंने कई कारण मुझे बताए, उसके बाद मुझे लगा कि चल ठीक है, कम से कम परिणाम तो तैयार करें, ये मैंने उनसे निवेदन किया है। तो साथियों, जुलाई में आपको को आपकी खुशियां, आपके सपने साकार करने को आपको मौका मिले, और पूरा विश्वास दिलाता हूं जुलाई में आपको खुशियां मिलेगी, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे, लेकिन आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। 1 जुलाई का लक्ष्य आपको होना चाहिए, 1 जुलाई से पहले आप परिणाम तैयार करवा देंगे, 1 जुलाई के बाद चाहे 2 को 3 को जब हो गया, आप साथ सबको एक साथ आना, आपका नेतृत्व मैं करूंगा, जो सबसे पहले जो करना मैं करूंगा, आपको पीछे रहना, आपके आदेश भी करवाएंगे, आपको ज्वाइनिंग करवाएंगे। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं कि आपकी भर्ती अटक गई है, बिल्कुल नहीं अटकी है, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, मैं विश्वास दिला रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं। इसके अलावा ECG का जो परिणाम है, सुबह मेरे चेयरमैन साहब से बात हुई थी, चेयरमैन साहब ने कहा कि वो मंगलवार को इस संबंध में, वो क्योंकि कई कोर्ट केसेस बता रहे हैं, वो खुद बोले कि वो देखेंगे, उसके बाद परिणाम के लिए वो आगे का निर्णय लेंगे। और अभी मैंने कहा कि साहब कोर्ट केस है नहीं, यार है भी तो उनकी सीटें वैकेंट कर दो। तो मैंने चेयरमैन साहब से भी सुबह निवेदन किया था, उनके अभ्यर्थी भी मेरे पास ही थे। इसके अलावा सिद्धार्थ महाजन जी को से मैंने निवेदन किया, तो उन्होंने बोर्ड के संबंधित जो बद्रीनारायण जी को फोन किया, और वहां तक उन्होंने बात पूछा है कि जल्द से जल्द ECG का परिणाम जारी हो। तो सिद्धार्थ महाजन जी का भी धन्यवाद, उन्होंने बोला। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन 20 अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने बोल ही दिया। साथियों, आप ये तीनों भर्तियों के लिए जो भी अभ्यर्थी मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को विशेष कहना चाहूंगा कि आप घबराए नहीं, आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी, आपकी भर्ती पूरी करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। कुछ भी करना पड़े, धरना देना पड़े, अनशन बैठना पड़े, मैं दूंगा। इसके अलावा जो फर्जी अभ्यर्थियों की लगातार बाहर करने की मांग कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि उनको शामिल किया जाए, उनके लिए तो राहत भरी अच्छी खबर है, लेकिन मैं चाहता हूं अब 1 तारीख के बाद आपको भी जो नए लोगों का चयन होगा, और जो लोग पहले से चयनित हो गए, क्योंकि जो सारी योग्यता करते वो तो बाहर होंगे नहीं, दूसरे बार होंगे, तो हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, कोई वर्गभेद नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं होगा, और इस लड़ाई को जीतेंगे, और जल्द ही आपको जुलाई में खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि जून में भी खुशखबरी मिलती जिस प्रकार मुझे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा, लेकिन मैं आज गया तो मैंने जब सक्सेना जी से बात की तो उसकी बातों से मुझे लगा कि बार बार भाई मतभेद, उसके बाद मुझे शक हुआ कि हमें भरभीत कर रहे हैं और हमें विश्वास में रखा जा रहा है, क्योंकि जून में मेरे चयनित अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया जा रहा है, जो सारी योग्यता रखते हैं, मैं उनके भी साथ हूँ जो गलत और फर्जियों को बाहर
किया जाना चाहिए, उनकी जगह नहीं योग्य थे, योग्य अभ्यर्थियों को ले जाए, उनके साथ हमेशा उनका भी दिया था, इनका भी दिया था, लेकिन अब हमारा लक्ष्य ये है कि 1 जुलाई को फाइनल हो जाएगा, आप घबराओ मत, 1 तारीख को जुलाई को फाइनल फैसला हो जाएगा और उसके बाद आपके नियुक्ति आदेश जल्द से जल्द जारी हो जाएंगे, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जय जय।